शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंगनघाट शहर के तहसील में सगुना कंपनी के कल 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। उसके बाद फिर से एंटीजन रैपिड टेस्ट में 12 संक्रमित पाए गए हैं। 7 अगस्त को सगुना का एक कर्मचारी जो कि शहर में रहता है संक्रमित मिला है, जिसके बाद सगुना कंपनी में कल और 2 संक्रमित मिले हैं। फिर एंटीजन रैपिड टेस्ट में दूसरे दिन आज 12 संक्रमित मरीज पाए गए। उसके साथ ही सगुना कंपनी तहसील का हॉटस्पॉट बन चुकी है, जिससे तहसील के साथ ही शहर में चिंता बढ़ी है। यह सभी लोग हमाली का काम करते हैं। यह तहसील में आज तक का सबसे बड़ा संक्रमण कहा जा सकता है। कोरोना संक्रमण की दिवसेंदिवस जो वाढ होता है। सगुना कंपनीतला एक वर्कर 7 तारखेला हिंगणघाट मध्ये राहत होता, तो संक्रमित भेटला। त्याच्यानंतर काल कोरोना संक्रमित दोन रुग्ण यामध्ये फॅक्टरीमध्ये काम करणारे मिळाले। त्यानंतर आज रॅपिड टेस्टमध्ये कोरोना संक्रमित एक सगुना कंपनीतले 12 लोकांची पुष्टी झाली आहे। डॉक्टर टाचलकर यांनी 12 लोक कोरोना संक्रमित आहे म्हणून सांगितलेलं आहे। त्यामुळे पाहता पाहता आता कोरोनाची वाटचाल हिंगणघाट तालुक्यात वाढत आहे। त्याचबरोबर सगुना कंपनी हा एक नवीन हॉटस्पॉट तालुक्यात तयार झालेला आहे। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।